This is looking so pretty. ये क्या है बेटा? घर है मम्मा. Beautiful. I love you, बेटा. आज तुम्हारा स्कूल है ना. गुड बॉय. लेकिन आपने मुझसे प्रॉमिस किया था. मम्मा मुझे आपसे बात नहीं करनी. नहीं आना. जाओ. सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं. फिर शहजादी इस झील में नहाकर ठीक हो गई. ठीक हो गई. मम्मा सोने पर दिखाओ. प्लीज हेल्प मम्मा. खुले आम आती है हवा, सीली सीली गीली.
तो क्या रुकना, मीठी चाय का मजा, देवभूमि की ये माया, भूल जाता सब क्या खोया क्या पाया, आधा भी ज्यादा है यहाँ, जीना बड़ा सादा है यहाँ, सब ठीक ले जाओ। हाँ हाँ ले जाओ। झूठी बाकी की दुनिया सारी झूठी, सच्ची यहाँ की जड़ी फूटी, बोले की बोलो जय। खाली जेब पर कोई ना उदास, देवों का यहाँ है वास, कोई ना फिक्रे आस पास, यहाँ साथ में बहती प्यास, ओ सुन ले बंदे, पहाड़ी सच्चे बंधु आके पहाड़ो मेरम, तू मुझे हवाओ में डमरू, बोले की बोलो जय जय बोले। प्रेम भैया। हाँ मीनाक्षी, कैसी हो? बढ़िया भैया, शौच क्या है? चाची कैसी हो? ठीक है। शॉली बनाते रहना, खाना मत देना मुझे। अब तो मैं खाती है। क्या खिलाओगी? चिकन। मैं आऊंगा। नहीं भूलूंगा। थैंक यू मीनाक्षी। बाय चाची। आधा भी ज्यादा है यहाँ, जीना बड़ा सादा है यहाँ, वेलकम टू कैंप उजीदार। आज आपका कैंप में पहला दिन है, एंड आई अश्योर यू आने वाले चार दिन आपके लिए काफी एक्साइटिंग होंगे। पागल है क्या? ऐसी मार खाएगा, बहुत मार खाएगा, पहले से बचपन से ही ऐसे करता है। मजाक ही था, मजाक ऐसा था, मजाक में। लंबा सफर करके आज यहां पहुंचे हैं, इसलिए ब्रेकफास्ट करके आराम कीजिए, हम शाम को फिर यहीं मिलेंगे और एक लाइट फॉरेस्ट एंड मेरो ट्रैक पर जाएंगे। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। यस सर। थैंक यू। अब आप जा सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार बेटा। करण। हाँ जी। ग्रुप सी आइस क्लाइंबिंग के लिए देवटीबा ग्लेशियर जा रहा है। हाँ जी। और तुम्हें तो मालूम ही है वहाँ पर काफी चैलेंजिंग और टेक्निकल सेक्शंस है। पता है मुझे। तो मैं चाहता हूँ कि तुम ग्रुप को सेफ्टी ब्रीफ करो। हाँ जी मैं कर लूंगा अंकल। ठीक है, टेंशन मत लेना आप। अदिति कितना टाइम लगाओगी? मैडम जी, सबसे पहले ये बताइए सेठ सेठी अपने आप को समझती क्या है? मिस्टर कुकरेजा, सहज सेठी हमारी नंबर वन वी लॉगर है। ना जी ना, नंबर वन फ्रॉड है जी। वो गेस्ट बन के आई थी हमारे रिजॉर्ट पे, अतिथि देवो भवो किया था हमने उसका। कहाँ है सहज सेठी? मैं सहज सेठी आज छुट्टी पे है। नीमो आंटी। सहज पुत्र, तू शादी कब कर रही है? हर चीज का ना एक टाइम होता है। ओके आंटी, कर लूंगी। कोकी अंकल। कितनी बड़ी हो गया तू? याद है बचपन में मैं तेरे लिए चॉकलेट लाया करता था। आजा आजा, तो फिर डाल दे एक बार अंकल को। गॉड, सुखो आंटी। हे सहर बेटा, तुम्हें पता है मेरी शनाया मिस कनाडा के लिए सिलेक्ट हो गई है। मेरी शनाया पीएचडी भी कर रही है। अरे और तो और, मेरी शनाया पे चल सकती है, पूड़ियों को हाथ से तल सकती है, वर्ल्ड पीस ला सकती है शनाया। हे सहर, एंड गेस शनाया रूम किसके साथ शेयर करने वाली है? सहर के साथ। देवो, आप लोगों ने सारे बिजनेस का सत्यानाश कर दिया। आई नीड योर हेल्प। आप तो कह रही थी छुट्टी पे, तुम सब फ्रॉड हो जी। लुक मिस्टर कुकरेजा, मैंने अपने रिव्यू में कुछ गलत नहीं दिखाया है। आप लोग डिनर में पनीर सर्व करते हो और सुबह उसी कॉटेज चीज पार्टी का नाम देके गेस्ट पे चिपका देते हो। इसे बिजनेस कहते हैं। उसे चीटिंग कहते हैं। अब समझ में आ गया।
वो हैप्पी होम रिजॉर्ट वाले आपको कितने पैसे देते हैं हमारा नाम खराब करने के लिए? Excuse me, Mr. Kukreja, take your words back. You don't know me. Oh, जी, you don't know me. तुम लोगों को मैं कोर्ट में ले जाऊंगा. By God. अरे Mr. Kukreja, जूस तो पी लीजिए. हमारे यहाँ फ्रेश मिलता है. विशाली अनिरन असाइनमेंट ASAP. क्या हुआ? इस वीकेंड हमारी एनुअल सेठी फैमिली गेट टुगेदर है. I can't stand my relatives. They chew my brains out. इस बार दादी ने बचाया नहीं? नहीं यार. I'm really sorry. एक ही आउटस्टेशन असाइनमेंट था जिसके लिए कल रोहन जा रहा है. रोहन? Great. रोहन. I'm taking your assignment. But मैं उसके लिए दो हफ्ते से प्रिपेयर कर रहा हूँ यार. तुम्हें मेरी बेस्ट फ्रेंड नताशा पसंद है ना? नताशा. रोहन. रोहन, असाइनमेंट. कैंप ऊजी धार. वाओ, व्हाट अ नेम. ये कैंप कंट्री का बेस्ट ट्रैकिंग एक्सपीरियंस प्रॉमिस करता है. रियली? या वैसे इसमें काफी नॉर्मल टूरिस्ट पैकेजेस हैं, बट इनका एक एक्सक्लूसिव सोलो ट्रिप पैकेज है जिसके बारे में आजकल काफी हॉटशॉट सेलिब्रिटीज और बिजनेसमैन बात कर रहे हैं. हैव अ लुक. या श्योर. For the most amazing trip of my life. Overwhelming. Unreal. Thanks for making me believe in me. See, this just goes on and on. Charges pata hai? Yeah. 5 lakh? What the? Itna paisa? Imagine. Ye 100% scam hai. I'm telling you. Hey, sir. Hi, sir. Hey, I'll join you back. Yeah. Yaar. सहर, हमारे ब्रेक को 15 दिन भी नहीं हुए और तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गई. क्या करूँ वीरेन, यू आर सो इररेसिस्टिबल. क्या हो गया बेबी? यू नो, यही गुस्सा तुमने अपने पिछले रिव्यू में निकाल दिया ना. सीरियसली, मजा आ गया. वीरेन. या आई एम कमिंग. यू गाइस वांट टू जॉइन अस फॉर अ ड्रिंक? नो, वी हैव वर्क. ओके. Hey, the bill's on me. Enjoy, guys. इसे ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड था ना? What happened? इन दोनों ने एक महीने का ब्रेक लिया. Don't worry, baby. हम दोनों ऐसे ब्रेक्स कभी नहीं लेंगे. Okay, Natasha. मनाली शॉपिंग यहाँ. मनाली? जी पापा. वो भी कल? जी चाचू. बेटा हमारे सारे रिश्तेदार आ रहे हैं. कितने साल हो गए तुम किसी से मिली भी नहीं हो. ये क्या बात हो गई? सहर, इस बार हमारी फैमिली की बारी है ऑर्गेनाइज करने की. अगर तुम नहीं रहोगी तो अच्छा नहीं लगेगा. पापा, इस बार मैं जेन्युइनली प्लानिंग में हेल्प कर रही थी, है ना दादी? हाँ, मैंने इसकी लिस्ट देखी है. बहुत मेहनत कर रही थी हमारी पिन्नी. वो ऑफिस में कुलीग की अचानक तबीयत खराब हो गई. अब अगर मैं नहीं जाऊंगी तो कंपनी का नुकसान हो जाएगा ना. कब लौटोगी? एक हफ्ता तो लग जाएगा. पिन्नी ने बताया मुझे. दादी और उसकी पिन्नी. रेडी फॉर मनाली? देखा भाई, सब देखा. सब कुछ पहले से ही प्लान था. पापा, मैं आपकी परमिशन के बिना कैसे जा सकती हूँ? वो तो टाइम कम था ना, तो नताशा को भेज दिया. यस अंकल. आई मीन, अगर आप नहीं चाहते हैं तो मैं नहीं जाऊंगी. ठीक है बेटा, जाओ. थैंक यू पापा. अगले साल पक्का. पर भाई साहब, आप इसे ऐसे कैसे? हम उस जमाने में रहते हैं जहां आजकल के बच्चे माँ बाप से कुछ भी पूछना जरूरी नहीं समझते. इसने तो कम से कम परमिशन मांग ली. ये परमिशन मांग रही थी? हाँ, झूठे मुंह ही सही. हेलो. हाँ दीदी. हाँ करण. बोलो. यार सब कुछ फिर से रिवर्क करना पड़ेगा. क्यों, क्या हुआ? यार रोहन वर्मा की जगह मिस सहर सेठी आ गई है. वो भी लॉगर. चल तुझे आके सारी स्टोरी बताते हैं. ठीक है. सो प्रॉक्सिमेटली कितने
every year. Pin karte hai season pe. We say solo. Okay. Welcome to Camp Ujidar. Thank you. Seher, ye mere father hai. Oh, hello uncle. Aao beta, aao. Please make yourself comfortable. आप ड्रिंक लीजिए एंड फील एट होम. नमस्ते. एंड एक्सक्यूज अस, अदिति दो मिनट में वापस आ जाएगी. ओके. अदिति, जो नया ग्रुप आया हुआ है जी, उसकी आउटिंग्स प्लान करनी है और आपको वहाँ जाना. हाय, तुम सोलो ट्रिप पे आए हो? आई एम ऑलवेज ट्रिपिंग सोलो ब्रो. आई जस्ट लव. एक्सक्यूज मी, यहाँ का अकोमोडेशन कैसा है? हम तो हनीमून मनाने आए हैं जी. कल फर्स्ट नाइट थी, आज सेकंड नाइट है. ये क्या बोल रहे हो तुम? हाय. हाय. तुम उस ग्रुप के साथ हो? नहीं. ओ फैंटास्टिक. मतलब तुम सोलो ट्रिप पे गए थे? या ग्रेट. स्कैम है ना ये ट्रिप? आप कौन? शहर से थी. I vlog for India.com. Oh yeah yeah yeah. Really sorry. चश्मे के कारण पहचाना नहीं. Come please sit. एक दो bites ले सकती हूँ, if you don't mind. Sure. Go for it. So you ready? Yep. So, how terrible was your experience with Camp Ujidar? What to tell you? Complete scam है जी. So basically it's not worth the money at all, right? Right. एक पैसा भी वसूल नहीं हुआ. चार्ज किस चीज का करते हैं? पहाड़ तो हजारों सालों से वही है. कैंप उजीधार ने थोड़ी ना बनाया. करेक्ट. आई कंप्लीटली एग्री विद यू. एक्चुअली यू नो व्हाट, सेल ऑन द कैमरा. कैंप उजीधार, आई वांट माय मनी बैक. ओके कूल. कैंप उजीधार, आई वांट माय मनी बैक. दैट वाज ग्रेट. थैंक्स. तुम प्लीज इन लोगों को एक्सपोज कर देना. ऑफ कोर्स. आई लॉट अ हैशटैग और ये वायरल हो जाएगा. दैट विल बी ग्रेट. व्हाट टू टेल यू? Best luck. एक पैसा भी वसूल नहीं हुआ. ये इतना चार्ज किस चीज का करते हैं? वो ऐसे ही तुम करण से मिल चुकी हो. करण? ओ द टूरिस्ट. यार स्वीट गाय. नहीं नहीं, वो टूरिस्ट नहीं है. ही इज करण सेगल, कैंप उजीधार का मालिक. व्हाट? तुम ट्रैक पे उसी के साथ तो जाओगी. गुड इवनिंग मिस सेठी. गुड इवनिंग. प्लीज हैव अ सीट. Let me explain the trek to you. 5 days का trek होगा. Trek से पहले you'll have to undergo some basic training, जिसमें अदिति help करेगी. Training से पहले तुम्हें कुछ documents sign करने होंगे. Just go through it. ये क्या है? It's just a basic formality. कि अगर trip में किसी accident की वजह से तुम्हारी टांग टूटती है या तुम्हारी death हो जाए, we will not be responsible. What? अरे chill. ऐसा कुछ नहीं होगा. As he said, it's just a formality. But still, I mean... Relax, you're totally safe. तुम्हारी ट्रेनिंग कल 5 बजे सुबह शुरू होगी. सुबह? I'm so sorry. Before we begin the training, few questions. Do you smoke? No. Any heart problem? No. Actually, I'm on a break with my boyfriend. Achha. Chalo, ab tumhara stamina check karte. Yahan se cottage tak tum jog karogi. That's easy. I run 3 kilometers on the treadmill. Go for it. Watch me. यहाँ ऑक्सीजन कम है, सो गो स्लो. I'm so sorry. Hi guys, this looks like the kitchen area. The corner. No, not hygienic. White bread. So unhealthy. बंद दरवाजा. Oh, this is a little baby. Yuck! Oh, God! Yuck!
तुम्हारे यहाँ लिविंग रूम की जगह तबेला है? वेलकम टू मनाली। मॉर्निंग मिस सेठी, 15 मिनट में तैयार हो जाओ, योर ट्रिप बिगिंस नाउ। व्हाट? आई सेड 15 मिनट। चॉपर, इतना चार्ज करते हो, कहीं तो जस्टिफाई करना होगा। हैड टू जस्टिफाई इट, हियर गोप्रो। But why? मेरे पास मेरा फोन कैमरा है। It's basically to record your trip. One second. Here, push it in. Here. See. Oh, fancy. ये हेलमेट भी पहन लो। इसके ऊपर भी GoPro है। All done? Yeah. Let's go. Let's go. Look at the view, Miss Sethi. Isn't it worth it? Those are the snow-capped mountains over there. They start from that end and they go on to end over there. Look at the sun rising over the mountain peaks. It's amazing, isn't it? जब दादी जी और माता रानी दोनों ही फेल हो गए तुम्हें सुधारने में। Have a very tough journey ahead. Mr. Karan Sehgal, this is war. Here, take my hand. I don't need your hand. सांस चढ़ रही है, थोड़ा आराम भी कर सकती हो। सांसें इसलिए जल्दी चढ़ जाती है क्योंकि हम हाल्टीट्यूड पे हैं। अपने आप को इतना पुश मत करो, वरना हाल्टीट्यूड सिकनेस हो सकती है।
रिलैक्स में सिर्फ अनवांटेड सामान फेंक रहा है। समझने की कोशिश करो। अगर ट्रैक पे कंटिन्यू करना है तो मेरे रूल्स फॉलो करने होंगे। यहाँ बॉस मैं हूँ, वरना अभी चॉपर बुला लेता हूँ और ट्रिप खत्म। तुम्हारी मर्जी। मुझे मेरा मेकअप बैग चाहिए। मेकअप की क्या जरूरत? अगर तितली होता ना तो बताती। क्या? नथिंग। पहाड़ी अपने आप को समझता क्या है? मैं सहर सेठी हूँ। You realize that? I'm सहर सेठी। सर, मैं बात क्यों कर रही हूँ? पागल कर दिया इसने। अदिति, चेकपॉइंट वन पे कुछ अनवांटेड सामान है। Just get it picked up. ये लो, तुम्हारा बैग हल्का हो गया है। Thank you so much, boss. क्या मैं बाथरूम जा सकती हूँ, बॉस? ओके। थैंक यू बॉस। मुझे मेरा वीलॉग बनाना है, तो कृपया मेरे फ्रेम से बाहर रहना, ओके? हाय गाइस, आज मेरे ट्रैक का फर्स्ट डे है और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जगह बहुत सुंदर है। बट गेस व्हाट, देयर इज ऑलरेडी अ वॉर गोइंग ऑन between Karan Sehgal and Seher Sethi. And the score is Seher 1, Karan 0. Usse laga, main apna saman itni aasani se chhod dungi. He said wo sara unwanted hai. Lekin main apna makeup itni aasani se nahi chhodne wali thi. Ab aap hi bataiye, ek ladke ko iski importance kaise pata hogi? Eyeliner lagana saans lene jaisa hota hai. समझ लो, आईलाइनर नहीं तो आंखें ही नहीं। गाइस, आई टॉक टू यू। मिस सेठी, तुम ठीक हो? हाँ, बस माइग्रेन होता है कभी कभी। अभी फाइन। मिस सिटी, ये माइग्रेन नहीं है, ये एल्टीट्यूड सिकनेस है। मुझे एल्टीट्यूड सिकनेस है। मिस सिटी, मुझे साफ दिख रहा है कि तुम्हें एल्टीट्यूड सिकनेस हो गई है। बचपन से है, मैं ठीक हो जाऊंगी। मिस सिटी, तुम्हारे लंग्स में पानी भर जाएगा, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम मुझे यहाँ ज्ञान बांट रहे हो, ठीक हो जाऊंगी। ओ गॉड, मिस सिटी, पानी लो, रिलैक्स। मिस सिटी, तुम्हारी तबीयत बहुत खराब हो रही है, इस हालत में ट्रैक कंटिन्यू नहीं कर सकते। मैं चॉपर बुला रहा हूँ। नो वे, हम ये ट्रैक खत्म करके जाएंगे। मिस सिटी, आई अप्रिशिएट योर डिटर्मिनेशन, बट हमें वापस जाना ही होगा। तुम्हारा ट्रिक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस ही था ना? गिव मी दैट एक्सपीरियंस। मिस सिटी, समझने की कोशिश करो, मैं ये रिस्क तुम्हारे साथ नहीं ले सकता। मिस्टर करण सेगल, ये तुम्हारा जॉब है ना? तो डू इट, क्योंकि सहर सेठी कोई काम अधूरा नहीं छोड़ती।
हाँ आदिति, अगले 4 घंटे में मैंने फोन नहीं किया तो रेस्क्यू टीम भेज देना। क्या कर रहे हो? I'm sorry, Miss सेठी। जैसे जैसे हम नीचे उतरेंगे यू फील बेटर। और कितना नीचे उतरना है? रस्सी अटक गई है, मुझे जाकर निकालना होगा। देर के लिए छोड़ रहा हूँ। क्यों? घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। सिटी, कुछ नहीं हुआ तुम्हें। काम डाउन, काम डाउन। वो राइट वाला ऑरेंज रोड दे दो मुझे। मिस सिटी, thank you.
आई ने दिस एटीट्यूड में सीखी। सेठी, चार घंटे से सो रही थी, यू फीलिंग एनी बेटर? बेटर, मैंने कहा था मैं मेडिसिन से ठीक हो जाऊंगी। मेडिसिन, चाय, कॉफी नहीं है? नो। तो स्कोर क्या हुआ? सहर 1, हरन 0। तुम्हें ये बात कैसे पता? गोप्रो। तो तुम्हें लगता है कि हम यहाँ स्कैम चला रहे हैं? नॉट एग्जैक्टली, बट आई हैव माई डाउट्स। यहाँ और भी तो कितने कैंप्स हैं, कोई तुम्हारे जितना चार्ज नहीं करता। तुम आ भी जा सकती थी। अगर मेरा डिसीजन होता तो मैं यहाँ कभी ना आती। लेकिन मेरा ऑफिस पे कर रहा है क्योंकि उन्हें एक अच्छी स्टोरी चाहिए और मैं उन्हें एक अच्छी स्टोरी ज़रूर दूंगी। मुझे तुम्हारे रिव्यू की हेडलाइन ऑलरेडी दिख रही है, कैंप उजीधर या स्कैम उजीधर। ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें एक फेयर चांस दूंगी। मिसरी, वन सेकंड, गेट अप। We moving? Yes. Honestly, Miss Sethi, I really don't care. हाँ, लेकिन एक बात प्रॉमिस करता हूँ कि अगर ट्रिप पे मज़ा नहीं आया तो तुम्हारे सारे पैसे रिफंड कर दूंगा। ओके मिस्टर सेगल, लुक हियर, रिफंड रेडी रखना। ओके। सो पीपल, सेह सेठी नाउ हैज़ द बेस्ट करंट सेगल। कोई और रास्ता नहीं है, वी हैव टू गो दिस वे। करण, मैं ये नहीं करूंगी। तुम्हारी एल्टीट्यूड सिकनेस की वजह से हमें रास्ता बदलना पड़ा। क्यों ना आई ब्लडी पेड अ बॉम्ब फॉर दिस। तुम जबरदस्ती मुझसे ये नहीं करा सकते हो। मिस सेठी, वी हैव नो अदर चॉइस। क्यों ना व्हाट, मेरे फॉलो तुम्हारी वेबसाइट हैक कर देंगे। सोच रही हो? चलो उठो। मैं नहीं आ सकती हूँ। I cannot do this, Karan. So you give up? चॉपर बुलाओ। चॉपर बुलाएगा? क्या बोला? सुनाई नहीं दे रहा। I'm gonna come there and kill you. Good. You have to come here first. Get used to it. Miss Sethi, पहले पिंक स्लिंग को अटैच करना, फिर उसके बाद रोप को पकड़ पकड़ के आराम से आना। There is no need to rush. इसे एक बार ही क्रॉस हो जाए, इसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि डर जाएगा। Slowly, slowly, step by step. I can't do this. Miss Sethi, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बस वो कैरबीना तक, then you're halfway. Come on, Miss Sethi, you can do it. Don't worry, Miss Sethi, you're doing a great job. Chalo mat, tumhe kuch nahi hoga. Nothing will happen to you. You're back to the road. Calm down, Miss Sethi. Calm
down. Calm down, calm down. It's okay. It's all okay now, Miss Sita. It's okay. It's okay. टेंट तैयार है, कपड़े चेंज कर लो। ये क्या कर रहे हो? Catching dinner with Sethi. I love fish. I've got to catch. One second. Here, catch. What the hell, Miss Sethi? That was our dinner. I can't bear it! Okay, fine. No fish for you. Sorry for the way I'm looking. Mr. Karan Sehgal ने मेरा पूरा मेकअप छीन लिया और उसमें से जितना मैंने चुराया वो भी पानी में डैमेज हो गया. So I'll tell you all about day one. Finally, आज मेरी ट्रिप शुरू हुई. मेरा दिन सुबह 5 बजे शुरू हुआ, that too without any prior notice. Unprofessional attitude. अपने कैंप के चार्जेस जस्टिफाई करने के लिए एक चॉपर बुलाया गया और फिर अपनी नॉलेज शो ऑफ करने के लिए मुझे एक हाई एल्टीट्यूड पर ले गए ताकि मेरा सर दुखे. और मैंने कहा मैं मेडिसिन से ठीक हो जाऊंगी, बट नो, मुझे अपनी पीठ पे उठा के एक डेंजरस रैपलिंग कराई गई. आई मीन गाइस, आई कुड हैव डाइड. और उसके बाद फ्रीजिंग कोल्ड वाटर में रिवर क्रॉसिंग कराई. यस गाइस, आई क्रॉस्ड अ रिवर टुडे एंड आई वाज टू गुड. आई मीन आप लोगों ने तो मेरे फिटनेस वीडियोस देखे ही होंगे. और हर बात पे चॉपर बुलाऊं, ये क्या कोई ओला उबर टैक्सी है? सो इफ आई वर टू रिव्यू डे वन, आई गिव इट अ 1 star out of 5. This is Seher Sethi signing out. Good night. Audio log, day 1. Client number 84, Miss Seher Sethi. Extremely indisciplined. Isko uthane ke liye multiple alarm clocks lage. Attitude bahut hai. मतलब एल्टीट्यूड सिकनेस का इलाज है, लेकिन इसका एटीट्यूड सिकनेस का नहीं है. और इसका ईगो यहाँ के पहाड़ों से भी बड़ा है. मतलब इसके ईगो से कोई छलांग मारकर सुसाइड कर सकता है, शॉर्ट डेथ. सो मैं भी इसे 1 star की रेटिंग देता हूँ. बट आई सीरियसली बिलीव इसमें पोटेंशियल है, एक फाइटिंग स्पिरिट है. नहीं तो अभी तक वापस चली गई होती चॉपर में. आई थिंक ट्रिप के एंड तक शुड बी अ चेंज पर्सन. लेट्स होप फॉर अ बेटर टुमॉरो. करण सहगल साइनिंग आउट. मिस्टर करण सहगल, तो ये भी सुन लो, कल सुबह 5 बजे मत उठाना. Wake up, Miss Sethi. Wake up. Come, Miss Sethi. This way. Oh.
कितने महंगा टॉर्चर है। जस्ट वेट फॉर माई रिव्यू। तुम्हारे करियर को ऐसे ट्रैक पे लेके जाऊंगी ना मैं। हिंदी फिल्में देखती हो। वो टूटा तारा नहीं, सैटेलाइट है। शिट, सैटेलाइट यार। ये क्या कर रहे हो? टेलीस्कोप। तुम्हारा स्टार साइन वर्गो ही है ना? या Here, Virgo Miss City. Have a look. कहाँ? तुम्हें पता है ना Virgo कैसा दिखता है? Yeah. बस आग को स्पॉट करो. आग? Yeah. I can see it. Wow, I can see it. It's so beautiful. The Virgo girl. उनमें बहुत guts होते हैं. उन्हें इम्प्रेस करना आसान नहीं होता। उन्हें हर चीज में परफेक्शन चाहिए होता है। बस सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है। क्या? वो अपनी गलती कभी नहीं मानते। मैंने कौन सी गलती की है? You were wrong in judging me. मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। देखो, you just proved me right. Stop it! तुम बकवास कर रहे हो। ओह, वो को गुस्सा। I said stop. क्यों? सच सुनने में प्रॉब्लम है? You're just making stuff up. No, I'm not. Yes, you are. No, I'm not. Yes, you are. No, I'm not. मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं अपनी वीलॉग के लिए. No. So अब ये कैंप तुम और तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड अदिति मिलके चलाते हो? हाँ, हम एक साथ मिलके चलाते हैं। और नो, अदिति मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, बचपन की दोस्त है। सो तुम्हारी लाइफ में कोई है जो तुम्हें झेल रहा है? यस, एक्चुअली नो, इट्स प्रीटी कॉम्प्लिकेटेड। तो तुम्हारे कॉम्प्लिकेटेड बॉयफ्रेंड को मिस कर रही हो? यू नो व्हाट, आई एम डन। ये मेरा व्लॉग था और तुमने हाईजैक कर लिया। अरे इतने सवाल तो दादी नहीं पूछने जितने तुम पूछ रहे हो। दादी की फेवरेट हो? दादी और मैं एक जैसे हैं। दादी मुझ पे गई है। दादी तुम पे गई है? या ये हमारा चेक पॉइंट 3 है। आई सी। ये हमारे क्लाइंट्स का फेवरेट कैनियनिंग स्पॉट है। डर गई? चॉपर बुलाओ। क्यों? तुम्हें वापस जाना है? सो डर लग रहा है? दिल्ली वाली हूँ, डरती तो मैं किसी के बाप से नहीं। Let's see. Are you ready? Yes. Okay, here we go. Oh no. Oh, my God.
हॉट सूप मिस सिटी। I loved today. It was so much fun. I enjoyed every bit of it. लेकिन पहले डर रही थी ना? सिर्फ शुरू शुरू में यार, उसके बाद I was fine. Okay. यार एक बात बताओ। हाँ। अगर मेरी जगह कोई भावेश या कोई प्रफुल्ल होता, तो तुम उसके साथ भी ये करते? कि ये मूव सिर्फ लड़कियों के लिए है। I'm sure अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड होगी, she must be so worried कि तुम ऐसी मेरी जैसी ब्यूटीफुल क्लाइंट के साथ ऐसी ट्रैक पे चले गए। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। ओ प्लीज, मैं इसलिए नहीं पूछी थी, कैजुअली पूछी थी। बट क्यों नहीं है तुम्हारी गर्लफ्रेंड? अटैचमेंट से डर लगता है। कमिटमेंट तो हर लड़की की प्रॉब्लम है। कमिटमेंट से नहीं, अटैचमेंट से। बैड रिलेशनशिप्स? लेट मी गेस, गर्लफ्रेंड? नो यार, इतने सारे टूरिस्ट आते हैं, कुछ अच्छी यादें भी तो होंगी। हाँ, अच्छी यादें भी है, बट हमेशा लगता था यू नो लाइक दिस इज इट, लेकिन इट डिडंट मैटर टू देम। ट्रिप खत्म होते ही सब वापस लौट जाते हैं, यहाँ कोई नहीं रुकता। शायद तुमने किसी को रोका भी नहीं। लिसन, हम ये फ्रेंडली टॉक कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें अच्छा रिव्यू दूंगी। हाँ ओके ओके, आई एम हंग्री नाउ, वेयर इज फूड? यम्मी। अच्छा एक बात बताओ, यही तुम्हारी लाइफ का ड्रीम था, व्लॉग करना, सबकी बैंड बजाना, सोशल मीडिया में सेलेब बनना? देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, डोंट गेट मी रॉन्ग। नहीं, ये मेरा ड्रीम नहीं था। I actually love singing. Singing? Hustle. Sorry. पर मैं ठीक ठाक गा लेती हूँ। तो हुआ क्या? तुम्हारी तरह कोई हंसा मुझ पे? तुम्हारा बॉयफ्रेंड हंसा और तुमने अपना सपना छोड़ दिया। कम ऑन मिस सिटी, चीयर अप। यू नो व्हाट, आई हैव एन आइडिया। यहाँ जगह भी ओपन है, बस एक माइक की जरूरत है। माइक। हाँ, ये रहा माइक। हियर मिस सिटी, कुछ सुनाओ। नो, यहाँ कोई नहीं है तो कौन हंसेगा? तुम। मैं भी नहीं हंसूंगा, आई प्रॉमिस। ठीक ठाक क्या? तुम बहुत अच्छा गाती हो। तुम बस ऐसे ही बोल रहे हो। नो, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। कहाँ से सीखा तुमने? दादी को शौक था गाने का, उनसे सीखा थोड़ा बहुत। तुम्हारी दादी तो बहुत ही स्पेशल है।
दादी तो सुपर स्पेशल है। और कौन कौन है तुम्हारी फैमिली में? हमारा तो पूरा टब्बर है। मॉम, डैड, मेरी छोटी बहन साची, चाचा चाची, मेरे कजिन क्रिश और कविश, इट्स अ फुल हाउस। वाओ, दैट्स नाइस। तुम बताओ तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? सिर्फ मैं। सिर्फ तुम और तुम्हारे मॉम डैड? बस। नो मिस सेठी, जस्ट मी, माय मॉम डैड आर नो मोर। आई एम सो सॉरी। मेरी मॉम एक फोटोग्राफर थी। हर फोटोग्राफर का एक स्पेशल ड्रीम होता है। मॉम का भी था, हिमालयन स्नो लेपर्ड को अपने लेंस में कैप्चर करने का। कहती थी कि स्नो लेपर्ड सिर्फ किस्मत वालों को दिखता है। फिर पास के मॉनेस्ट्री से एक दिन खबर आई कि वहाँ एक स्नो लेपर्ड दिखा है। में उनकी डेथ हो गई, बॉडीज तक नहीं मिली।
surprise. Nice surprise, right? This place is heavenly. ये वही जगह है जहाँ अक्सर मैं मॉम एंड डैड के साथ आया करता था. ये हमारी स्पेशल प्लेस थी. And this place is so beautiful. ये जगह वाकई बहुत स्पिरिचुअल है. कितनी पीसफुल है. यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है. मिस सिटी, मॉम वाज श्योर कि एक दिन इन पहाड़ों के बीच में उन्हें एक स्नो लेपर्ड जरूर दिखेगा. मम्मा, स्नो लेपर्ड दिखा? नो बेबी, प्लीज हेल्प मम्मा. मम्मा यहाँ देखो, एक बेबी स्नो लेपर्ड. तुम बचपन में काफी क्यूट थे. थैंक्स. सिर्फ बचपन में. हाँ ओके. जानती हो, जब भी मैं यहाँ आता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मॉम डैड अभी भी मेरे पास है. और हाँ, ये पहली बार है जब मैं किसी को अपने साथ यहाँ लाया हूँ. Show he's fine. Just give him some time. Your completion certificate for the trek. You were really good. Hey Seher, Camp Ujidhar ki taraf se tumhare souvenirs. How sweet. Thank you, Aditi. You're most welcome. I think we're getting late. We should move. Come, let's go.
Mr. Sehgal, thank you for the most amazing week of my life. तू रिफंड नहीं मांगोगी? We'll see. करण, ये मैं आप करण, ये शहर छोड़ दिए तुम्हारे लिए. शहर? सेठी, यहाँ से लोग हमेशा यादें लेकर जाते हैं. ये पहली बार हुआ है कि कोई लेकर गया है. द फोटोग्राफ इज ब्यूटीफुल. भीगी बारिशों में आज क्या है, भागी धड़कने है राज क्या है, मीठा क्यों चंदा दिल उड़ा पतंगा. कैसी ख्वाहिशें हैं, क्या खला है, नींदे रात से क्यों लापता है, तारे आसमां से क्यों खफा है, लम्हा वक्त का बेस्वाद सा है, सब क्यों बेरंगा, ना किसी का संगा, ना किसी का संगा, मैं क्यों बेरंगा, दिल उड़ा पतंगा. सोनी लगती है ख्याल च रात सारी लंघदी, ओ हुण मुखड़े ते रौनक जेही रहंदी है, पुछण सखियां कुछ मैं कुछ कहंदी. यादा विच रंगा दिल उड़ा पतंगा, दिल उड़ा पतंगा, दिल उड़ा पतंगा. मैं इस ट्रिप में आई थी ये सोच के कि एक बहुत बड़ा स्कैम, पर आई वॉज प्रूव्ड रॉन्ग इन एवरी पॉसिबल वे. मनाली की सबसे खास बात ये है कि आप जितना उससे प्यार करो, उससे 10 गुना ज़्यादा प्यार आपको उससे वापस मिलता है. And the same philosophy holds true for Camp Ujjidhar. Go to Camp Ujjidhar, अपनी लाइफ भी बदलिए और दूसरों की भी. This is Seher Seedhi, signing off. Thank you for the wonderful review, Miss Seedhi. I meant every word of it. मैं एमी व्लॉगर ऑफ द ईयर नहीं बनी हूँ. Gotta go now. Meeting Viren. अरे आउट है. हाँ मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? हाँ झूठ बोल रहा हूँ. नेक्स्ट करो.
मेरे सहर वन कैपेचिनो फॉर मी जी एंड द यूजुअल फॉर मैडम ओके सर एक्चुअली केशव मेरे लिए चाय लाना okay, चाय तो हफ्ते में चाय भी पीने लग गए अच्छे रिव्यूज भी देने लग गए इट्स बीन 26 डेज विरेन वाओ टाइम फ्लाइज वैसे जब तुमने मुझसे ब्रेक की बात की थी ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था बट देन आई हैड अ ग्रेट टाइम द ब्रेक वाज गुड तुम भी तो मनाली हुआ है ना हमें ना ये ब्रेक्स लेते रहने चाहिए नो विरेन वी शुड ब्रेक अप यू वांट टू ब्रेक अप विद मी विरेन तुमने सही कहा द ब्रेक वाज गुड हम दोनों बहुत अलग हैं विरेन और इसमें कोई राइट और रॉन्ग नहीं है तुम अपनी जगह सही हो और मैं अपनी जगह Right, you're right. No hard feelings, Sahir. No hard feelings. And we'll always be friends. Yeah? Chill. तू यहाँ बैठा है? ले कॉफी पकड़. करण मुझे तुझसे कुछ बात करनी है पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ हाय मॉर्निंग मिस सीटी मॉर्निंग आई हैव गॉट सम न्यूज क्या मैंने विरेन से ब्रेकअप कर लिया एंड आई एम फीलिंग सो मच लाइटर Well done, Miss City. लेकिन जब से मनाली से लौटी हो ना हर रात सपने में वो माइक आ रहा है माइक कौन माइक अरे मेरा मतलब है MIC वो गाने वाला माइक ओहो ओपन माइक वो माइक सो क्या करने वाली है उसके बारे में परफॉर्म करने वाली है सच्ची कब आज रात कहाँ हो रहा है ये ओपन माइक उसी जगह साइडवॉक कैफे एक्चुअली आई एम 7th ऑन द लिस्ट मेरी टर्न अराउंड 9:30 9:45 तक आएगी लेकिन मैंने सबको 9 o'clock आने के लिए बोला यू नो जस्ट इन केस अगर कोई लेट हो जाए तो कम से कम मेरी परफॉर्मेंस मिस नहीं होगी आई मीन आई नीड मॉरल सपोर्ट और क्योंकि यू नो उस तरफ बहुत ट्रैफिक होता है और अगर वो आउटर रिंग रोड अवॉइड करके ही आए तो ही बेटर है और फिर मिस सिटी काम डाउन तुम क्यों घबरा रही हो आई डोंट नो सहर तुम घबरा रही हो तुमने यहाँ मनाली में क्या क्या नहीं किया और अब एक ओपन माइक से डर रही हो हाँ लेकिन वहाँ तुम थे ना मेरे साथ मैं सेठी चॉपर बुलाऊं क्यों तुम दिल्ली आ रहे हो मैं जाके प्रैक्टिस करती हूँ तुम बस ठीक से प्रे करना बाय रुक क्यों गया वो तुझे बुला रही है जा वो बुला नहीं रही वो डर रही है ओपन माइक में गाने से करण डर तू रहा है वो नहीं जब से वो गई है तू खुद से लड़ रहा है क्यों परेशान हो रहा है शहर भी तुझे पसंद करती है तू डर मत मैं नहीं डर रहा करण तू डर रहा है नहीं डर रहा करण तू डर रहा है हाँ मैं डर रहा हूँ डरदा मत किच नहीं होना तू जा What an audience tonight! What an audience! Wow, wonderful faces, wonderful people. Fantastic. My name is Ritu Rudri Banerjee. I know you'll have heard. That wasn't a joke. Guys, a huge round of applause for Ritu Rudri. Thank you so much for all you damn good. Well, next up is somebody who we all love.
Ladies and gentlemen, put your hands together, give it up, and welcome India's favorite vlogger, Seher Sethi. मेरी पोती होके घबरा रही है देख वी आर ऑल विद यू टीम सहर कम ऑन चल जा जा चल चल जल्दी जा वेलकम सहर द स्टेज इज ऑल योर्स प्लीज टेक ओवर मिस सेठी सहर तुमने सही कहा था कि मैंने किसी को जाने से नहीं रोका लेकिन गलती वो नहीं थी गलती ये थी कि मैंने तुम्हें जाने से नहीं रोका मैं डर रहा था तुमसे मिलने से पहले पूरी जिंदगी डर के बगैर जिया क्योंकि अगर कुछ हो भी जाता तो शायद मैं मॉम डैड के पास पहुंच जाता लेकिन कभी कुछ नहीं हुआ मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं जिंदा क्यों हूं But now I know why. ताकि तुमसे मिल पाऊं शहर इस पल से लेकर मेरी लाइफ का हर पल मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ आई लव यू रणा तू पल पल दिल के पास जुड़ी रहे तुझसे हर एक सांस खुद पे पहले ना इतना सीने से तेरे सर को लगा के सुनता मैं रहूं नाम अपना ओ नाम अपना नाल तेरे एक घर में सोचा बारी खुलाते चंद दिख जावे अखां च भी जे मन लागे ते अख ना लागे प्यार ही उड़े ते प्यार ही खाना विच कोई आवे ते प्यार ही आना दुनिया दे विच ऐसी दुनिया तो दूर हुन नाल तेरे मेरा हर सपना सीने से तेरे सर को लगा के सुनता मैं रहूं नाम अपना
ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹੋ ਗਈ मैं नहीं थी। भूख लग रही है। सहर? तू यहाँ इतनी सुबह? मामा योगा कर रही थी इन कपड़ों में। मामा कैजुअल योगा। अच्छा, पराठे भी खाते हैं इस योगा के बीच? अरे मेरे पराठे तैयार हैं। चल चल गाड़ी में चलते हैं, खाते हैं, गाने गाते हैं। नमस्ते, तू भी योगा कर, मोटी हो जा रही है। बीजी सोमीन करण जी, मैं कल रात कैफे में थी, मैंने सब सुना और सब देखा भी। अरे पिन्नी को आई लव यू कहने से पहले उसकी दादी की परमिशन तो लेता। पिन्नी? पिन्नी। ओ, पिन्नी। पिन्नी पिन्नी की कर रहे हैं, मेरी गल ना जवाब दे। बीजी वो। बीजी वो क्या, इसकी सजा तो तुझे जरूर मिलेगी। आज मेरा हैप्पी बर्थडे है। ओ। और तुझे पार्टी में तो जरूर आना पड़ेगा। जी जी, जी क्या थे आ गले लग। ये इतनी सवेरे सवेरे कहाँ से आ रहे हो? कहाँ से आ रहे हो? तुम लोगों ने नाश्ता किया? ये भी लौट के करेंगे। ग्रंथी जी से मिलने जाना है कीर्तन के लिए। खाली पेट थोड़ी ना जा सकते हो। ये अरफा प्रोटी माँ का दिल है, सब जानता है। लेकिन आप लोग आ कहाँ से रहे हो? अब देर नहीं हो रही क्या? हाँ भाई चपा। After the break, चलिए मुद्दे पे आते हैं। हमारे साथ है सुशांत नारंग, the upcoming politician. सुशांत, ब्रेन, तुम यहाँ भाई का इंटरव्यू सुनने बैठे हो या फोन पर लगे रहोगे? सॉरी मैम। स्विच इट ऑफ। जी। तो आते हैं अब मुद्दे की बात पे। तो सुशांत, आपने वर्ल्ड के टॉप आईवी लीग बिजनेस स्कूल से MBA किया और उसके बाद अमेरिका में 4 साल एक टॉप की IT कंपनी में नौकरी करी। तो अचानक पॉलिटिक्स क्यों? मिस्टर गुप्ता, अचानक नहीं, शायद आप भूल रहे हैं कि पिछले 3 सालों से मैं हमारी पार्टी के यूथ विंग में एज अ नॉर्मल पार्टी वर्कर इन्वॉल्व रहा हूँ। लेकिन आपकी पार्टी के किसी और नॉर्मल वर्कर को तो आने वाले इलेक्शन का टिकट नहीं मिला। टिकट तो सिर्फ आप ही को मिला है ना सुशांत? कपिल जी, बहुत सारे न्यूज चैनल्स थे जो सुशांत का पहला इंटरव्यू कवर करना चाह रहे थे, फिर मौका आपको ही क्यों मिला? अब अपोजिशन वाले तो यही कहेंगे ना कि हम स्कूल फ्रेंड्स हैं और इसलिए आप यहाँ बैठे हैं। मैं आपकी काबिलियत पर डाउट नहीं कर रही हूँ, मेरा कहना इतना ही है कि सबको एक फेयर चांस मिलना चाहिए टू प्रूव देमसेल्व्स, डोंट यू एग्री? वेल, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम यहाँ रत्ना नारंग द सक्सेसफुल सुप्रीम कोर्ट लॉयर से बात कर रहे हैं या रत्ना नारंग द 3 टाइम सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से बात कर रहे हैं। फिलहाल तो आप सुशांत की माँ से बात कर रहे हैं। वेल, ऑन दैट नोट लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड कम बैक। कपिल गुप्ता, तुम सुधरोगे नहीं? हाँ, अपनी आदत से बाज नहीं आओगे। कहा था कि ये सवाल मत पूछना। रत्ना, we have to keep it believable. I told you. अंकल, आपने तो मेरा केस दे दिया। एडिट में ठीक कर दूंगा। प्लीज। सुन वंदना। जी बीजी। मेरे बर्थडे पे ना मैं तेरे को एक खुशखबरी देना चाहती हूँ। क्या? पिन्नी और विरन का ना
ब्रेकअप हो गया। क्या? मैंने तो नारंग को आज रात की पार्टी के लिए बुलाया हुआ है। तो क्या हो गया? आएंगे, शॉल चढ़ाएंगे, चले जाएंगे, खाते ही ना जाएंगे। एक और खुशखबरी भी है। अब क्या? पिन्नी को ना किसी और से प्यार हो गया। क्या? पीजी ये तो? कीर्तन पर ध्यान कर, ये बातें करके पाप चढ़ा रही है। एक रो इन्हें माफ करिए। लेडी डॉक्टर! हैप्पी बर्थडे दादी जी। सोना लग रहे हैं। थैंक यू। नमस्ते आंटी। अरे बस बस बस, करण है। तुम मनाली में कैंप? परसों घर आएगा तब बात कर लेना ना। पार्टी हो रही है, एंजॉय करो। ओके। नताशा, करण। हेलो करण। हाय नताशा। इट्स सो नाइस टू मीट यू। हैप्पी बर्थडे दादी। थैंक यू कार्तिक। हेलो आंटी। हेलो विरेन बेटा। ये आपके लिए। शहर कहाँ है? यहीं कहीं होगी मॉम। आई विल जस्ट गो गेट हिम। हाय धोनी। हाय नाइस टू मीट यू। हाय करण। हाय नाइस टू मीट यू। Hey, sir. Hi, Viren. That's Karan. Manali boy. Yeah, Manali boy. Viren Narang. Karan. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Come. Let's get you a drink. Chalo, let's go. Yeah. You know, Karan, मैंने तुम्हारे camp का review देखा था. शहर सेठी ने आज तक कभी किसी की इतनी तारीफ नहीं की. You must be very good. I'm just okay. अच्छा, mom wanted to see you. जब मैंने तुमसे ब्रेकअप किया था मुझे नहीं पता था मैं और करण। सहर, मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ और तुम क्या बोल रही हो? डू यू लाइक हिम? यस, आई डू। I'm so happy for you. और जैसा कि मैंने कहा था, we'll still be friends. Thanks for understanding, Viren. Come, let's see, mom. रत्ना जी, West Delhi में जो flyover बन रहा है, उसके tender के बारे में कुछ progress नहीं हुई। सबरवाल साहब, आपने पहले भी जिक्र किया, मेरी ज़हन में है, मैं I'll look into it. नमस्ते आंटी। नमस्ते आंटी। नमस्ते। साड़ी में कितनी खूबसूरत लग रही हो। Thank you, आंटी। और कहाँ हो इतने दिनों से, घर नहीं आए? Aren't you going to join us? Yes, in a bit. What's so funny, guys? Anyway, kal mere race track pe party hai. Maine Sahir ko sab bata diya. Everyone's coming. And Karan, I want to see you there. I'll see you there, man. Yeah? Yeah. See you then. See you. Mujhe kabhi laga nahi tha ki Viren bhi badal sakta hai. I was wrong. Toh wo girl apni galti maan rahi hai. अच्छी गाड़ी है। Hey, sir. Hi. So good to see you guys. Nice car. Come on, get inside the car. यार मुझे जो भी गाड़ी पसंद आती है मेरी कंपनी BBT खरीद लेती है। You know, I love to own the things that I like. लगता है तुम्हें भी स्पोर्ट्स कार्स बहुत पसंद है। या चलो लेट्स रेस। रेस वेस का तो पता नहीं पर मजा आएगा। मजा तो जरूर है। ओए चल 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 जल्दी जल्दी जल्दी। यार सो एक्साइटेड। चल 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 बैठ बैठ।
love you the way you are. I love you too. Stop it. ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਸਤ ਮਲੰਗ ਚੱਲੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਸਤ ਮਲੰਗ ਇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਘੁੰਮੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਘੁੰਮੇ ਡਰਦਾ ਦਾ ਸਰੂਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਚੱਲ ਕੁਝ ਗਿਰੇ ਉੱਤੇ ਉੜ ਚੱਲ ਪਰ ਲੱਗੇ ਸ਼ਕ ਮੁਸ਼ਕ ਲੈ ਚੱਲ ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਾਈ ਜਾਏ ਜਾਏ ਇਸ਼ਕ ਚਲੀਆ ਚੱਲ ਕੁਝ ਗਿਰੇ ਉੱਤੇ ਉੜ ਚੱਲ ਪਰ ਲੱਗੇ ਸ਼ਕ ਮੁਸ਼ਕ ਲੈ ਚੱਲ ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਾਈ ਜਾਏ ਜਾਏ ਇਸ਼ਕ ਚਲੀਆ से बहता सा समा हो चढ़ती चांदनी हो जैसे हो चमकी चका चौंध से इश्क तक ही लेना हो सजदी सारी दुनिया में ना इश्क सा कोई गहना ऊंची उड़ान जीते जमाने अनमोल यारियां लाखों की लाली जग सारा मां की यार मेरा सोना चल बुझ गिरे उठे उड़ चल पर लगे शक मुशक ले चल बड़ बड़ ताई जाए जाए इश्क चलिया चल बुझ गिरे उठे उड़ चल पर लगे शक मुशक ले चल बड़ बड़ ताई जाए जाए इश्क चलिया तोले सारा समाना तू ही है मेरा खजाना ओ, 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 ओ मिलते रास तुम्हें मिली मंजिल जैसे तू ओ, ओ, जग की जागीरों से मुझे हासिल ऐसे तू तुझको तलाश तुझको तराश सब कुछ कमा लिया वादे वफाए ना आजमाए नुकसान या नफा चले फलक फलक मिल गेले बड़ बड़ ताई जाए जाए इशक चलिया वादा तुझे संग लेके रंग लेके दुनिया से अलग तलग जाओ बाहों से बड़ ताई जाए जाए इशक चलिया सुनिया करना मैं तेरा ख्याल रखना तेनु सारी उम्र संभाल सुनिया करना मैं तेरा ख्याल रखना तेनु सारी उम्र संभाल एक बार जो होना तेरा तेरे नाल चलाया फेरा रंग जाना हुण मैं तेरे रंग चल बुझ गिरे उठे उड़ चल पर लगे शक मुशक ले चल बड़ बड़ ताई जाए जाए इशक चलिया चल बुझ गिरे उठे उड़ चल पर लगे शक मुशक ले चल बड़ बड़ ताई जाए जाए इशक चलिया जीत गए और कहीं और हार गए रेन माँ हमेशा कहती है कि एक हार से हम अपोजिशन में आ जाते हैं पांच साल तक कोई नहीं पूछता हमें इसीलिए सिर्फ जीतने की आदत डालो जीतने की करण भैया देखो इस फोटो में दीदी के साथ मैं भी हूं ओए
और दादी रिवर क्रॉसिंग के वक्त इतना डर रही थी ना कि इसकी शक्ल देखने लायक थी। दादी ही इज लाइंग, मैं कभी नहीं डरती, आपको पता है। डर तो रही थी। ट्रस्ट मी ही इज लाइंग। टिनी, मुझे तो इस मुंडे की आंखों में सच्चाई दिख रही है। मुझे भी, मुझे भी, मुझे भी। आप सब लोग इसकी साइड ले रहे हो? देखो बेटा, मैं घुमा फिरा के बात नहीं कर सकती। तुम्हारी जेनरेशन को समझना बहुत मुश्किल है। ये कुछ दिन की डेटिंग, फिर ब्रेक, फिर ब्रेकअप। मैं जानती हूँ तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, पर फिलहाल मैं तुम्हें सिर्फ शहर के एक दोस्त की तरह देख रही हूँ। लेकिन एक बात तुम्हारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है, मुझे इसकी फिक्र लगी रहती है। माँ हूँ ना इसकी। I understand आंटी जी। बाहर जब मैंने आपकी फैमिली फ़ोटोज देखी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी ऐसी यादें तो 10 साल की उम्र में ही ख़त्म हो गई थी। आज आप सबसे मिलकर मुझे ये समझ में आया कि शहर आखिर है कौन, इसमें जो अच्छाइयाँ हैं वो कहाँ से आई है। मैं फिर मतलब इसे ही क्रेडिट दे रहा था। आंटी जी, मैं समझ सकता हूँ कि आप बस अपनी बेटी का भला चाहते हो, और आज आपकी बातें सुनकर मुझे माँ की याद आ गई। करण, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। यस दादी। तुम्हारे सिक्स पैक सैब्स हैं? क्या पूछ रहे हो? अरे तुम लोग। नहीं दादी, नहीं है। ये है ना बात। मुझे तो सिक्स पैक वालों पे बिल्कुल भरोसा ही नहीं है। तो ऐसे ही रहे। ओके दादी। पापा, नमस्ते अंकल। करण जी, गेट आउट। पापा, ऐसा क्या हो गया? चुप। इट्स ओके सहर। पापा, हाउ कुड यू? ऐसा भी क्या हो गया कि आपको करण को इस तरह जाने के लिए बोला? अनुराधा, बच्चों को लेकर बाहर जाओ। वीरेन आया था आज ऑफिस में। अंकल, जब से शहर मनाली से लौटी है कुछ अजीब सा बिहेव कर रही है। पहले तो उसने मेरे फोन कॉल्स और मैसेजेस का रिप्लाई नहीं किया, और फिर अचानक से शी जस्ट ब्रोक अप विद मी। फिर मेरे दोस्तों से मालूम पड़ा किसी मनाली के लड़के के साथ घूम रही है। लड़का? कौन सा लड़का? वही जो दादी के बर्थडे पार्टी पे आया था। एनीवे अंकल, आई स्टिल केयर अबाउट हर। मुझे लगा कि कम से कम आपको तो मालूम होना चाहिए कि क्या हो रहा है। वो शहर का कुछ सामान था मेरे पास, मैंने सोचा लौटा दूं। ओके अंकल। पापा, ये मेरा जिम बैग है। हम दोनों एक साथ जिम जाते थे, उसकी कार में रह गया था। खोलो इसे। इसमें सारा सामान मेरा नहीं है। ये घड़ी तुम्हारी नहीं है, ये हेडफोन्स तुम्हारे नहीं है, और ये समझू बेटा, झूठ बोलने की लिमिट होती है शहर।
हमने तुम्हें पूरी आजादी दी है, क्या पढ़ना है, क्या काम करना है, काम के लिए ट्रिप पे जाना है, कभी नहीं रोका। बदले में हमें क्या मिला? कल का लड़का मेरी ऑफिस में आकर ये सब दे दे और मुझसे कहे कि मेरी बेटी किसी और के साथ घूम रही है। तुमने कभी सोचा है तुम्हारी इन हरकतों का तुम्हारी छोटी बहन पर क्या असर होगा, मुझ पर क्या बीतेगी? कभी सोचा? पापा, नरेन ने आपसे ये सब कहा और आपने मान लिया, बस इतना ही भरोसा है आपको अपनी बेटी पे? हुआ सर? सॉरी करो। लेकिन हुआ क्या सर? मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि वीरेन ऐसा भी कर सकता है। इट्स अनबिलीवेबल। सर बेबी, तुमने कॉल किया था वीरेन? तुम इतना गिर सकते थे, मैंने कभी सोचा नहीं था। शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हारे डैड से अभी सिर्फ प्यार से बात की, वरना मैं चाहता तो उन्हें गोवा वाली फोटोज दिखा देता। कौन सी गोवा वाली फोटोज? नो, एक्चुअली इंटरनेट पे डाल देता हूँ। अरे सब देख लेंगे, फ्रेंड्स देख लेंगे, फैमिली देख लेगी, फॉलोअर्स देख लेंगे। वीरेन, कौन सी गोवा वाली फोटोज? लास्ट ईयर हम गोवा गए थे। तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे रूम में एक कैमरा था। सहर, मैं सब ठीक कर दूंगा। Just come back to me. I'm waiting for you at Shisha. Love you. Seher, तुम क्यों डर रही हो? डरना तो उसे चाहिए, गलती उसने की है, तुमने नहीं। शर्म तो उसे आनी चाहिए, तुम्हें नहीं। Anything for you. I know that. तुझे किसने बुलाया? बुलाया किसी ने? लगता है ऐसे ही आ गया। टहलते टहलते क्या कर रहे हो वीरेन? क्या देखो वीरेन, तुम एजुकेटेड हो, एक अच्छी फैमिली से हो, और शहर तुम्हारी पुरानी दोस्त है। ज्ञान देने आए हाँ? देखो वीरेन, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, और अगर कुछ हो भी गया तो इट रियली डजंट मैटर, बिकॉज़ वी लव ईच अदर। तू मेरी बंदी को डेट करेगा? तू? शहर किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। है, मेरी प्रॉपर्टी है। चल चल अब दफा हो यहां से और भेज उसको यहां अभी के अभी। शहर या नहीं आने वाली। दैट विच विल हैव टू कम हियर। Come on.
Viren, you'll be fine. You'll be fine, Viren. Where are we? We're in the car. Don't touch it. Where are we going? Just let me just dab it. Don't touch that. Yeah. Where are we? What? We're in the car, Viren. Where the fuck are we going in the car? Where's that? He's not here. Just आज मैं कहने जा रही हूँ इससे मेरी family, मेरे friends, मेरे जानने वाले बहुत से लोग affect होंगे. But this needs to be done. कुछ दिन पहले I broke up with my boyfriend. He seemed to be fine with it. फिर मुझे realize हुआ that he was playing mind games with me. अगर बात मुझ तक ही रहती तो कोई problem नहीं थी. He dragged my family into it. उसने मेरी family को झूठी कहानी सुना के he turned them against me. और अब वो मुझे धमकी दे रहा है कि अगर मैं उसके साथ पैच अप नहीं करूंगी तो उसके पास मेरी कुछ पिक्चर्स हैं जो उसने सीक्रेटली खींची और वो उन्हें अब लीक कर देगा. मैं बहुत डर गई थी, बहुत घबरा गई थी, पर फिर मुझे किसी ने रियलाइज कराया कि शर्म उससे आनी चाहिए, मुझे नहीं. डर उससे लगना चाहिए, मुझे नहीं. नींद उसकी हराम होनी चाहिए, मेरी नहीं. So now I will name him and shame him. No. He is Viren Nara. No. Shit. मुझे मालूम है ये कहाँ है. चलो. शहर. शहर. I'm up here, you. You bloody शहर. करण विरेन आ गया. तुम कहाँ हो? Delete that bloody video. क्यों? Not enjoying your game? This is not a game, शहर. तूने मेरी family को involve किया है. Family हो? कि तुम्हें मेरी family को involve करने से पहले सोचा गया था मेरे. Please stop it. मेरी phone. नहीं तुम नहीं. फोन दे. फोन दे इधर. डर लग रहा है? हाँ. कि तुम्हारी phone को पता चल गया तो? तो बेटा तू. ये शहर वाली जाके उसको रोक गया. Process problem है. Let them handle it. How dare you? फोन दे इधर. तू उन करेगी ना इसको? हाँ? You're going to pay for this. Just give me the keys. Just dump it. क्या कर रहे होगे? अभी बता. You stay out of it. Don't worry, we'll stop you. तू करेगी ना इस family को कतार? हाँ? तू करेगी? नंगी तस्वीरें तुम्हारे पास इसकी इस गलीज और घिनौनी हरकत ने मेरी 21 साल की रेपुटेशन पर पानी फेर दिया. इस वीडियो के वायरल होने का मतलब समझते हो तुम? कल मीडिया और ऑपोजिशन हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ जाएंगे. इलेक्शन सर पे हैं और तुम अपना ही वो विरेन और अपने भाई की तरफदारी करने से पहले दो बार सोच लेना तुम. मॉम, विरेन और शहर का झगड़ा हुआ. शहर हॉस्पिटल में, उसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है. मेरी गलती है. Shit.
मिस्टर सेठी? यस, कैसे हो? मिस्टर सेठी, शहर को जब यहाँ लाया गया था, शी वॉज ऑलरेडी इन कोमा. कोमा? कोमा? जी, शी हैड सफर्ड अ हेड इंजरी विद एपिड्यूरल हेमाटोमा. मतलब उसके ब्रेन और स्कल के बीच एक बहुत बड़ा क्लॉट हुआ था जिसे उसकी जान जा सकती थी. उस क्लॉट को निकालने के लिए हमने एक इमरजेंसी ऑपरेशन किया. एंड आई एम हैप्पी टू टेल यू दैट द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल. तो अब सेहत ठीक हो जाएगी ना? करंटली शी इज इन द आईसीयू अंडर ऑब्जर्वेशन और अगले 48 घंटे बहुत क्रिटिकल है. विल कीप यू पोस्टेड. थैंक यू. इस घटना ने एक बार फिर से पूरी दिल्ली को कहा जा रहा है कि शहर सेठी को जान से मारने की धमकी भी दी थी. It has now been confirmed that Seher Sethi has been in a state of coma after an alleged assault by Viren Nara. मैडम, वो वीडियो हमने मैक्सिमम वेबसाइट से तो हटवा दिया है, लेकिन ये व्हाट्सएप और पर्सनल मैसेजेस पे वायरल होने से नहीं रोक सकते. उन्हीं का बेटा है यार. हाँ करण बेटा, कुछ देर के लिए मैं बैठ जाती हूँ, तुम्हें बाहर बुला भी रहे. जी. देखिए, पहले मैं उससे बात करता हूँ. करण हुक्का बार में जो मारपीट हुई उसका केस दर्ज हो गया है. ये तुम्हें अरेस्ट करने आए हैं. मेरी क्या गलती है? गलती तो तुम्हारी ही है. तू गया था ना शहर को बचाने, इसीलिए ये लोग तुझे अरेस्ट करने आए. देख क्या रहे हो, ले जाओ. हम हमारी ड्यूटी कर रहे हैं, आप भी कंप्लेंट दर्ज कर दीजिए. ले छोरे, तमीज से, क्रिमिनल नहीं है ये. पुत्र, तो फिक्र ना कर. जी. कोई नई कंट्रोवर्सी पैदा करनी पड़ेगी पूरा ध्यान हटाने के लिए. वो मैच फिक्सिंग का जिक्र किया था. दैट्स नॉट कंक्रीट, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इट विल टेक सम मोर टाइम. और वो सहरावत का स्टिंग अगर वो अभी लीक कर दे तो? दैट्स क्वाइट एन आईडिया, बट ही इज अगेन एन ऑपोजिशन लीडर, तो तुम्हें अपनी पार्टी हाई कमान से परमिशन लेनी पड़ेगी. और मारो. जी मैम. वीरेन की बेवकूफियां कम थी कि तुम भी लग गए. उस लड़के को पिटवा कर क्या मिलेगा तुम्हें? मैं तो बस उसे हमारी पावर दिखा रहा था. लड़ देख बाल को. जी बस. अगर इलेक्शंस नहीं होते तो तुझे यही काट देता. अगर शहर को कुछ हो गया तो तुम सबको यही काट दूंगा. वापस ले जाओ उसे.
मिस सेठी, तुम तो आईलाइनर के बगैर भी खूबसूरत लगती हो। पूरा देश अपना नारंग के स्टेटमेंट का इंतजार कर रहा है, लेकिन हैरत अंगेज कर देने वाली बात यह है कि नारंग के घर के बाहर हजारों की भीड़ जमा है। जनता के आक्रोश की आवाज जी, आप इस शहर सेठी केस के बारे में कुछ कर रही हैं कि नहीं? पार्टी हाई कमांड में हम सब बहुत चिंतित हैं और अपोजिशन वाले भी इसे एक बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। त्रिपाठी जी, अपोजिशन वाले इन मामलों में कुछ कम है क्या? अगर सहरावत का स्टिंग ऑपरेशन अभी लीक कर दें तो? नहीं 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 नहीं, पार्टी ने उसे इलेक्शन वीक के लिए रखा हुआ है और उसे इस तरह से आप अपने निजी मामले के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती और ये उचित भी नहीं होगा। त्रिपाठी जी, 21 साल अगर मैंने अपना कोई परिवार माना है तो वो है ये पार्टी। अगर पार्टी के अलावा मैंने अपने परिवार पर ध्यान दिया होता तो ये, पर अब तो लग रहा है कि 21 साल का दिया बलिदान भी कम पड़ रहा है पार्टी। देखो रत्ना जी, पार्टी के सारे वरिष्ठ नेताओं का ये मानना है कि आपको इस्तीफा दे देना चाहिए जब तक ये मामला सुलट नहीं जाता, और मुझे भी ये लगता है कि वो ही सही होगा। सुशांत का टिकट तक कैंसिल हो सकता है। सुशांत की चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको, अभी उसकी मां है। और रही बात मेरी, तो एक हफ्ते में ये सारा मामला सुलट जाएगा। और हाँ, पार्टी में जो मेरे शुभचिंतक मेरा तर्पण करने को तैयार बैठे हैं, उन्हें जरूर कह दीजिएगा कि रत्ना नारंग के श्राद्ध का भी समय नहीं हुआ है। आज शहर सेठी केस की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम अपने दर्शकों के लिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लाए हैं नताशा सबरवाल के साथ। नताशा, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप हमें बताएंगे आप शहर सेठी को कितने सालों से जानते हैं? बचपन से। और वीरेन नारंग को? पिछले 2 सालों से। तो क्या आप हमें बताएंगे कि दोनों के बीच एग्जैक्टली क्या हुआ था? शहर और वीरेन एक दूसरे को पिछले 2 सालों से डेट कर रहे थे और फिर वीरेन ने उससे ब्रेकअप कर लिया क्योंकि उसे पता चला कि शहर उसे चीट कर रही थी। झूठ बोल रही है? चीट? किसके साथ? करण सहगल। वही करण सहगल जिसके एडवेंचर कैंप को रिव्यू करने के लिए वो मनाली गई थी। प्लीज कैरी ऑन। उसके बाद शहर वीरेन को हरास करने लगी कि वीरेन उससे पैच अप कर ले। एक्चुअली शहर को रियलाइज हो गया था कि उसके लिए ये लाइफस्टाइल छोड़ना आसान नहीं है। She loved it. The parties, the fast cars, the expensive gifts. तो फिर क्या हुआ? फिर वीरेन ने उसे बहुत बार समझाने की कोशिश करी प्यार से कि वो उससे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता था, and that she should move on. And that's when शहर ने उसे धमकी दी कि अगर वो उससे पैचअप नहीं करेगा तो वो उसकी और उसकी फैमिली की रेपुटेशन को बर्बाद कर देगी। तो इसीलिए शहर ने वो वीडियो बनाया? जी। आपका मतलब शहर ने उस वीडियो में जो भी कुछ बोला वो सब झूठ है? वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर चुकी थी, बहुत गुस्से में थी और उसका ईगो हर्ट हो गया था। दैट्स व्हाई शी डिड ऑल दैट। और वीरेन नारंग पर जो उंगलियां उठाई जा रही हैं कि उनकी वजह से शहर गुमा में है, उस पर आपका क्या कहना है? उसमें वीरेन की कोई गलती नहीं है, वो तो बस शहर को रिक्वेस्ट कर रहा था कि बस वो वीडियो डिलीट कर दे। पर नशे में शहर वाज कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल, उसे गालियां देने लगी, उठा उठा कर उस पर चीजें फेंकने लगी और जब वीरेन ने उसे रोकने की कोशिश करी तो वो एक्सीडेंटली गिर गई। नताशा, हमें सुनने में ये भी आ रहा है कि वीरेन से पहले शहर ने एक लड़के को इसी तरीके से ब्लैकमेल किया था और उसने परेशान होकर अपनी जान लेने की कोशिश की। नताशा, ये सब क्या कह रही है? ये हमारी बेटी जैसी। नताशा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। गुड लक। थैंक यू। कैट, गॉट इट। गुड जॉब मितु। वेल डन नताशा बेटा।
2000 करोड़ रुपए का टेंडर है सबरमल साहब, पार्टी तो आज रात को ही बनती है। कंग्रेचुलेशन सर। गाइस सब काम बंद कर दो, लीगल नोटिस आया है। सर सर सहर सेठी केस में जो सनसनीखेज मोड़ आया है इसके बारे में आपका क्या कहना है? ज्यादातर रिव्यू से साफ जाहिर होता है कि ये उनका पुराना पैंतरा है, किसी इज्जतदार फैमिली को बदनाम करने की ये सारी साजिश थी और कुछ नहीं है। धन्यवाद। सहर सेठी के वीलॉग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आजकल ना ये नया फैशन शुरू हो गया, किसी को भी बदनाम करना हो ना तो उसको इंटरनेट पे डाल दो। और फिर क्या हुआ, उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसी की बोल खोल दी। ये हाई सोसाइटी लड़कियां ऐसी होती हैं। लुक, आई डोंट बिलीव इन नेमिंग एंड शेमिंग ऑन द इंटरनेट, इट्स जुवेनाइल बिहेवियर। देयर इज अ जस्टिस सिस्टम फॉर ऑल दिस, शी कुड हैव परस्यूड इट लीगली। सर के ना कुछ फोटोज इंटरनेट पर लीक हुए हैं, क्या वेरीफाई कर सकते हैं आपकी बेटी है या नहीं? हमारी शहर ऐसी नहीं। रब से भरोसा। मम्मी 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 मुझे स्कूल नहीं जाना। मम्मी क्या हो गया, ये किस वजह से किया? मैं सब सहर दीदी के बारे में गलत गलत बोलते हैं और फिर वो सीनियर बॉयज भी। मैं बहुत मेरी शहर से माफी मांगनी होगी। मैं
सबकी आदत। देख देख तूने मेरी शहर का क्या हाल कर दिया। माफी मांग इससे, माफी मांग। नहीं मांगता, माफी तो तू मांगेगा। यही मौत तुम लोगों का जो हाल करेगी ना। जाओ मिस सेठी। समंदर सबकी भूल समाई अंदर,
जमाइया मनमुखी।